संदिग्ध शख्स है जो ममता बनर्जी के आवास में जा घुसा, उसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया, पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है, डिटेन किया है। लेकिन यही वो आदमी है, यही वो शख्स है जो संदिग्ध बताया जा रहा है, जिसके हाथ में चाकू भी था और पुलिस की गाड़ी में दाखिल हुआ, हुलिया बदल कर दाखिल हुआ, जैसा कि रवि दत्ता जानकारी दे रहे हैं। अब ये डिटेन किया जा चुका है, यही वो शख्स है, पूरी तरह से सूट बूट में है और टाई भी लगाया हुआ है शख्स ने, इसीलिए शायद रवि शक नहीं गया होगा। हम तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस शख्स पर अचानक से शक नहीं गया होगा पुलिस का और ये अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ। फिर देखिए, अगर कोई ममता बनर्जी के घर आज तक आया है तो उनको पता होगा कि ममता बनर्जी के घर में पहुंचने के लिए थ्री बैरियर होता है। पहला गेट होता है जहां पे आपका एक ऑटोमेटिक रेलिंग होता है, वो गाड़ी आने से परिचय देने से वो हट जाता है। उसके बाद और एक स्टेप होता है जहां पे प्रिलिमिनरी फिजिकल चेकिंग होता है। उसके बाद एकदम ममता बनर्जी के घर, क्योंकि रस्ते के ऊपर है, जो रस्ता का गली है उससे ऊपर है, वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर गेट हटता है तो कोई ममता बनर्जी से मिल सकते हैं। पहला जो पेरीमीटर था वो क्रॉस करके ये व्यक्ति अंदर घुस चुका था। सेकेंड जो मैनुअल पेरीमीटर है जहाँ पे लोग मैनुअली उनको पूछताछ करते हैं लोगों को, कौन है, क्यों है, कहाँ से आए, वहीं उसके ऊपर संदेह हुआ। और ये व्यक्ति जिस तरह बनठन के आया था, तो पहला बहुत स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी के घर के सामने जो पहला बैरियर है वहां पे जो कांस्टेबल रहते हैं उनके लिए, ये मतलब वो आम सा लोग होते हैं, कांस्टेबल होता है जो अगर पुलिस की गाड़ी होता है तो छोड़ देता है। लेकिन सेकंड पेरीमीटर और उनके घर के सामने, क्योंकि सीसीटीवी रहता है, 144 धारा रहता है, वहां पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जब होती है तब वहां पे लोग उनसे हर किसी को पूछता है, प्रेस उनके आईडी कार्ड देखते हैं, उनसे भी आईडी कार्ड पुलिस का मांगा गया होगा या तो फिर पुलिस को किसी तरह संदेह हुआ होगा। इस आरोपी का नाम आप बता रहे नूर आलम है, और क्या डिटेल्स इसके बारे में अब तक मिल पाई है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, बस कालीघाट थाना में बैठा हुआ ये व्यक्ति का यहाँ पे विजुअल है, देख के आपका आप इसे अगर इसका मतलब जो स्वभाव है अगर देखेंगे तो कहीं कोई भी एंगल से एक तरह से देख के नहीं लगेगा कि ये कोई गलत काम करने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन ये ऐसे बनावट हुआ था, लेकिन क्यों ये व्यक्ति आया था, क्यों ये उनका ये जो उनका वेशभूषा है, सजावट है, ये सजावट से क्या वो चकमा देना चाहता था, ये सबसे बड़ी सवाल है। और यहाँ पे जिस तरह ये बैठा हुआ है, पॉकेट में दो ब्लैक पेन है, ब्लू कलर का ब्लेजर पहन के बैठा हुआ है, टाई है, शर्ट है, बाल बने हुए हैं, तो बिल्कुल लोग यहाँ पे चकमा जाएंगे। क्योंकि लेकिन ये बात भी है कि कोलकाता पुलिस के कोई भी ममता बनर्जी के घर पहुंचता है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनका फेस जाना पहचाना है। ये भी बताइए कि अभी ममता बनर्जी अपने आवास में ही है? जी बिल्कुल, वो अपने घर में है, क्योंकि इतना बड़ा एक घटना घट चुकी है तो उनका सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित कोलकाता पुलिस। लेकिन ममता बनर्जी 21 जुलाई का ये मंच पे आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उनका घर के सामने इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, वो व्यक्ति कैसे पहुंच गया, इसीलिए हो सकता है ममता बनर्जी थोड़ा देर में पहुंचे, लेकिन ये व्यक्ति को पूछताछ किया जा रहा है, किसका कहने पर, क्यों ये यहाँ पे आया था, क्यों उसके पास गन था, क्यों उसके पास चाकू था, क्यों वो आया था, क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र था, क्या ये ममता बनर्जी के ऊपर कोई अटैक होने वाला था, ये बहुत सारे सवाल एक साथ खड़े हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा संदेह है कि आखिर ये करना क्या चाहता था ये शख्स, क्या मंशा थी इसकी, कैसे दाखिल हो गया। थ्री लेयर सिक्योरिटी होती है सीएम आवास पर और ये एक लेयर सिक्योरिटी को पार करके दूसरी लेयर सिक्योरिटी में पकड़ा गया है। हड़कंप मच गया है इस घटना के बाद, हथियार इसके हाथ में थे, ये शख्स सूट में दिखाई दे रहा है, टाई भी लगाया हुआ है, पूरी तरह से ये यहाँ पर दाखिल होता है सेकंड लेयर सिक्योरिटी में, फिर ये लैब समझ में आता है, वहाँ पर पुलिस एक्टिव होती है और इसे हिरासत में लेती है। ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है, सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंध मारी हुई है और इतनी बड़ी सेंध मारी है कि जो सेकंड लेयर सिक्योरिटी है उसमें दाखिल होने में कामयाब होता है शख्स। ये करना क्या चाहता था, किस साथी के साथ आया था, क्या इसका कोई साथी भी था, हुलिया कैसे बदला और करना क्या चाहता था। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, ममता के आवास परिसर में हथियारबंद ये शख्स घुसा, बंदूक और चाकू के साथ ये संदिग्ध घुसने में कामयाब हो गया। उसके बाद ये खबर मिल रही है कि कोलकाता में ममता के आवास परिसर में ये हड़कंप तब मचा जब पुलिस ने इस बात को नोटिस किया और फिर इसे हिरासत में लिया। कालीघाट पुलिस ने इस शख्स को डिटेन कर लिया है, पूछताछ चल रही है, जो अभी तक पूरी डिटेल्स निकल कर सामने नहीं आई है। एक और बड़ी बात, पुलिस की गाड़ी में आया था यह हथियारबंद शख्स,
जो जानकारी सामने आ रही है। हिरासत में लिया गए शख्स का नाम नूर आलम बताया जा रहा है, नूर आलम बताया जा रहा है इसका नाम। पुलिस की गाड़ी में ये आया था और चकमा देकर अंदर दाखिल होता है ये शख्स, ये जानकारी मिल रही है। ममता के आवास में घुसने वाले शख्स की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है, यही वो हथियारबंद बदमाश है, आरोपी है, जिसे हिरासत में लिया है।